आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से कि वो अपनी बात आपको कहेंगे। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। कल अरुण जेटली जी ने कहा कि विजय माल्या जी ने उनको पार्लियामेंट में इनफॉर्मली अप्रोच किया था। लंबे ब्लॉग लिखते हैं मगर पता नहीं क्या कारण था, इस मीटिंग के बारे में उनके किसी ब्लॉग में, किसी बयान में, किसी कमेंट में इस मीटिंग के बारे में उन्होंने नहीं कहा। और जो अरुण जेटली जी ने कल कहा कि ये मीटिंग, माल्या जी उनके पीछे आके उनसे दो तीन शब्द बोल के चले गए, वो झूठ है। और आज हम आपके लिए सबूत लाए हैं। पुनिया जी हैं, पुनिया जी ने अपनी आंखों से अरुण जेटली जी और विजय माल्या जी की मीटिंग पार्लियामेंट में देखी है। 15-20 मिनट की मीटिंग थी, सिट डाउन मीटिंग थी। पुनिया जी थोड़ा आपको बताएंगे इस मीटिंग के बारे में। ...2016 बजट सत्र की बात है। पहली मार्च 2016 को, 29 फरवरी को बजट पेश हुआ। पहली तारीख को मैं पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में बैठा था और तभी मैंने देखा अरुण जेटली जी और विजय माल्या वो आपस में बात कर रहे हैं, खड़े होके कोने में बात कर रहे हैं और बहुत अंतरंग, दोनों एक दूसरे को जैसे कि अंतरंग बातें होती उस तरह से बात कर रहे थे। फिर 5-7 मिनट के बाद फिर वहाँ पर सेंट्रल हॉल में बेंच में बैठ के भी बात करना उन्होंने शुरू किया और बात अपना करते रहे। और विजय माल्या उस सत्र में केवल 1 मार्च को ही आए थे और अरुण जेटली जी से मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की। और उसके बाद जब 3 तारीख को मीडिया में ये छपा कि 2 तारीख को वो चले गए लंदन, 3 तारीख को मीडिया में छपा, तो अचानक देखा, देखते ही मेरा रिएक्शन था, अरे 2 दिन पहले तो ये अरुण जेटली जी से मिल के गए हैं, सेंट्रल हॉल में मिले हैं। और उसके बाद जितने भी मीडिया बाइट होंगी, जितने भी मेरी डिबेट्स में, वो विदाउट एक्सेप्शन मैंने उसका जिक्र किया कि 2 दिन पहले अरुण जेटली से विजय माल्या मिल के गए हैं, पूरी तरह से सबूत है। और ये अभी 2.5 साल तक चुप्पी साधे रहे, 2.5 साल तक रहस्य बनाए रहे। इस बीच में पार्लियामेंट की डिबेट भी हुई, उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया कि उनकी मुलाकात विजय माल्या से हुई, चाहे छोटी हुई लेकिन उसका जिक्र तो करना चाहिए था। लेकिन छोटी नहीं, पुख्ता विधिवत वो मुलाकात करते रहे और सेंट्रल हॉल में उसका रिकॉर्ड है। और मेरी चुनौती है, वहाँ पर CCTV कैमरा लगे हैं, वो CCTV फुटेज देख लें 1 मार्च के, तो उनसे पता लग जाएगा, या तो वो राजनीति छोड़ दें या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये एक बहुत गंभीर बात है, देश जिस पे विश्वास करता है उस विश्वास को ही सीधे सीधे हमला हो तो फिर सरकार में रहने के लायक नहीं है, ये विचार करना होगा। और उसके पूरे रिकॉर्ड हैं, 1 तारीख को वो आए थे, उन्होंने रजिस्टर पे दस्तखत किए और मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जो बताया, जो चले गए, इसे बहुत स्पष्ट है कि उनसे बात करके गए हैं, उनसे अनुमति लेके गए हैं, उनसे सलाह मशवरा करके वो लंदन गए हैं कि यहाँ पर आपको परेशानी होगी, आप यहाँ से चले जाओ, ये हमारा आरोप है और अंदाज भी है। अब इस पे 2 और सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि
फाइनेंस मिनिस्टर एब्सकॉन्डर से बात करता है। एब्सकॉन्डर फाइनेंस मिनिस्टर को कहता है कि मैं अब लंदन जाने वाला हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर ने ना सीबीआई को बताया, ना ईडी को बताया, ना पुलिस को बताया। क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो अरेस्ट नोटिस था विजय माल्या पे, उसको इन्फॉर्म नोटिस में किसने बदला? यह काम वही कर सकता है जो सीबीआई को कंट्रोल करता है। तो अरुण जेटली जी लंबे लंबे बयान देते हैं, अगर ये उन्होंने अपने आप किया तो ये बता दें कि हां मैंने अपने आप किया, अगर इनको ऊपर से ऑर्डर मिला था तो वो कह दें कि ऊपर से उनको ऑर्डर मिला। मगर ओपन एंड शट केस है, इकोनॉमिक ऑफेंडर लंदन भागने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर से 15-20 मिनट के लिए पार्लियामेंट हाउस में बात करता है। फाइनेंस मिनिस्टर झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं, कॉरिडोर में मुझे पकड़ा और मुझे कहा कि मैं लंदन जा रहा हूं। ठीक है, अगर आपको कॉरिडोर में भी पकड़ा और आपको कहा कि लंदन जा रहा है, तो फिर आपने सीबीआई ईडी को क्यों नहीं बताया कि यह भागने वाला है, इसको जेल में डालो, इसको पकड़ो। तो यह क्लियर कट कल्यूजन है, इसमें कोई ना कोई डील हुई है, और फाइनेंस मिनिस्टर को सीधा बता देना चाहिए क्या हुआ है, उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। थैंक यू। We'll have one by one, sir. Let me, can I have sir that mic? अगर आप सब प्रश्न इकट्ठे पूछेंगे तो मैं नहीं ले पाऊंगा। Let me start with that. We will do everything that is necessary in law to ensure the accountability of Modi government and the finance minister to people of India in the running away of the absconder. The finance minister has colluded in a criminal running away from the country. The criminal has told him that I am going to run away to London. The finance minister has accepted publicly that he has been told by a criminal that he is going to run away. And the finance minister has not done anything, has not informed the CBI, has not informed the ED. What does that mean? It means he is colluding with the criminal. Straightforward. And whatever we can do, we are going to do. But the finance minister has to explain to the country why he is colluding with the criminal. Why, when the criminal has told him he is going to run away to London, the finance minister has not acted? And third, why the finance minister has had an extended meeting with the gentleman in the Parliament House? What was discussed? You have to raise your hand. Of course, I'm coming to you only. No problem. Please start. Please ask. और क्या सरकार में प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं सब कुछ? अरुण जेटली जी तो उनकी बात सुनते हैं, तो क्लियरली अरुण जेटली जी बताएं, क्या उन्होंने क्रिमिनल को हिंदुस्तान से भागने दिया या फिर ऑर्डर आया था मोदी जी से? दो ही बातें हो सकती हैं। You have to, I'm sorry, but you have to ask for Raman from News 24. You have to raise your hand. नहीं, कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? फाइनेंस मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक एक्शन अगेंस्ट दीज इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। फाइनेंस मिनिस्टर हिमसेल्फ इज मीटिंग द मैन इन पार्लियामेंट हाउस। फाइनेंस मिनिस्टर हिमसेल्फ इज लाइंग अबाउट द मीटिंग, एज वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड। मिस्टर पुनिया सॉ ए 20-मिनट कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन, फर्स्ट इन वन कॉर्नर एंड देन ऑन द सीट्स ऑफ सेंट्रल हॉल। The finance minister himself has admitted that Vijay Mallya told him that he is going to go to London.
एंड येट द फाइनेंस मिनिस्टर टुक नो एक्शन ऑन मिस्टर विजय माल्या. फाइनेंस मिनिस्टर डिड नॉट इन्फॉर्म द सीबीआई, डिड नॉट इन्फॉर्म द ईडी, डिड नॉट इन्फॉर्म द अदर आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट दिस थीफ इज रनिंग अवे. व्हाई? व्हाट वाज द कॉज? व्हाट वाज द रीजन? व्हाट वाज द डील? व्हाई डिड इट हैपन? एंड सेकंड, देयर इज अ नोटिस टू रिस्ट्रेन मिस्टर विजय माल्या. दैट नोटिस इज चेंज मैजिकली from a restraint notice to an informed notice. Why? Who did it? The only two people, Prime Minister and Finance Minister. So that is why we wanted to discuss it with you. The fact is, as I have stated many times before, Mr. Jaitley is lying, the government is lying on Rafael, and the government is lying on Vijay Mallya. A meeting was held with Mr. Arun Jaitley and Vijay Mallya. The logistics of Mr. Mallya leaving the country were discussed at that meeting. Mr. Vijay Mallya was given free passage out of the country by the finance minister. And the finance minister has clearly said that the criminal told him that he is going to run away. Well, why did you let him run away? Why didn't you stop him? Because you were colluding with him. That is basically the message of this press conference. Thank you very much. Thank you.